हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो। तो गाइस, आज चलाने वाले हम डंपर और भाई न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। तो सबसे पहले अपन ने डंपर को बढ़ा दिया और इसको फंसाने के लिए ले चल रहे अपन दलदल में, क्योंकि तो इसको फंसाने के बाद भाई अपन निकालने वाले इसको ट्रैक्टर से। बट अपने को ऐसा फंसाना है कि ये खुद पर ना निकल पाए, बट अपन इसको निकालेंगे ट्रैक्टर से, क्योंकि अपने को ट्रैक्टर चलाने का चांस मिलेगा। पूरे गोले को घुमाते हुए चलते हैं, पूरे जो अपना दलदल है पूरे आसपास घुमाते हुए इसको लेके चलते हैं, और यहाँ से प्रॉपर आराम से अपन इसको क्या है कि स्मूथली अंदर उतार लेंगे। उतारने के बाद क्या है सीन होगा, तो उसके बाद लिखाएंगे अपन भाई ट्रैक्टर को। तो काफ़ी शानदार मजा आने वाला है। ट्रैक्टर लाते टाइम अपने को है ना, तो इधर की साइड से थोड़ा सा ले लेते अपन हल्का सा, बट भाई मेरे हिसाब से अपन इसको रिवर्स ले लेते। रिवर्स लेने के बाद आराम से अपन इसको कम्प्लीटली इसमें उतार देते। उतारने के बाद देखते क्या सीन होगा, तो जाने देते धीरे धीरे करके, बट ज़्यादा भी नहीं चले जाएँ, क्योंकि फिर क्या है कि उसके बाद भाई चढ़ना असंभव है। बट इतना फंसा देते इसको, बट एक बार कोशिश करते अपन चढ़ाने की इसको है ना, तो हल्का हल्का सा तो भाई चढ़ तो जाएगा, बट अपन उसको ट्रैक्टर को लेकर आते कम्प्लीटली। तो गाइस चलते बिना किसी देरी को ट्रैक्टर के लेने। भाई जॉन डियर को अपने न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को अपने कम्प्लीटली स्टार्ट कर दिया, जो कि देख सकते हो भाई काफ़ी स्पीडली भगा के लेके चलते हैं और घुमा देते हैं साइड ब्रेक पे। घुमाने के बाद देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला। तो एकदम रिवर्स लेते हल्का सा है ना, पूरा रिवर्स लेने के बाद पूरा घुमा के अपने एकदम टोचन को कम्प्लीटली भाई बांध लेते, जो कि देख सकते हो आप है ना। तो रिवर्स ले लेते हल्का सा, और जो कि अपने टोचन है कम्प्लीटली भाई ऑप्शन आ चुका है, तो बांध लेते हैं। यहाँ से बांधने के बाद अपन हिचकते इसको, तो भाई अपने को क्या है कि डंपर को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्टर की इतनी क्षमता नहीं कि भाई वो सिंगल उसको हिच पाए। तो अपन ऑन कर देते हैं यहाँ से ऑप्शन को और डंपर को भी हिचक देते, मतलब इसको भी स्टार्ट कर देते हैं ना भाई। कम्प्लीटली देख सकते हो चढ़ गया है वैसे तो, बट अब यहाँ से अपन टोचन को छोड़ देते और ट्रैक्टर को लेकर चलते जहाँ से अपन ने उठाया था कम्प्लीटली भाई वहीं पर छोड़ देते, जो कि देख सकते हो अपने घर के सामने। अपने को इसको प्रॉपर वहीं पर खड़ा करके आना है ना। उसके बाद भाई डंपर को अपन कंटेनेटर वाले ब्रिज पर लेकर चलने वाले हैं, और वहाँ से अपन इसको के लाने वाले लोडिंग करना भाई। चढ़ाना और उतारना काफ़ी कठिन होने वाला है, काफ़ी इजी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो भाई बड़ा दिया है, जो कि देख सकते हो डंपर को भाई, तो गुड लुकिंग डंपर को हमने स्पीडली भगाते हुए लेके चलते कंटेनर वाले ब्रिज पे, और सबसे ऊपर चढ़ाना हमने चोटी पे। चढ़ने के बाद भाई वहाँ से कम्प्लीटली अपने को खल के बोरियों को भर के लाना है। बोरिया भर के लाने के बाद अपन कर चलेंगे उनको सेल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है सेल करने के लिए है ना। तो पूरा प्रॉपर स्पीडली भगा के लेके चलते, जो कि देख सकते हो आप, और अपने को भाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ाना है, मतलब ये मानो कि समथिंग 1000 फीट ऊपर चढ़ाना है अपने को इसको है ना। जो कि एक कंटेनर 100 फीट का है अपना, तो अपने को 10 कंटेनर चढ़ाने थे ये मान सकते हो आप है ना। तो पूरा प्रॉपर देख सकते हो, यहाँ से भाई अपन घुमा लेते हैं इसको, और पूरा ध्यानपूर्वक चढ़ाना है भाई। अगर ऊपर से गिर गया तो अपने तो वाट लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अपन गिरने नहीं देंगे पूरे गेम में है ना। तो ओ तेरी भाई काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है चढ़ने में, बट चढ़ा देंगे तो अपने को क्या है कि हल्का सा रिवर्स तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतनी कंटेनर के ऊपर जगह नहीं है कि अपन पूरा प्रॉपर वहाँ पे इसको घुमा सके, जो कि देख सकते हो नहीं घूम पाएगा। तो रिवर्स लेते हैं इसको, अब पूरे स्टेयरिंग को कम्प्लीटली घुमा देते हैं, जो कि देख सकते हो फिर से एक बार वो लेना पड़ेगा रिवर्स तो। बट रिवर्स लेने के बाद अब अपन पूरे ऊपर चढ़ाने की कम्प्लीटली कोशिश करते हैं। कोशिश में क्या है कि भाई जाने देते, ओ तेरी भाई पीछे वाला टायर उड़ गया है, जो कि काफ़ी खतरनाक तरीके से। तो फिर से एक बार और कोशिश करते, और जो कि देख सकते हो भाई अपन ने इस पहले कंटेनर के बाद दूसरे को भी कम्प्लीटली भाई प्रॉपर चढ़ा दिया है ना, जो कि काफ़ी टफ था। बट क्या है कि अपन ने धीरे धीरे अपने को भाई अपने कंट्रोल में रखना है इसको पूरा प्रॉपर, क्योंकि ऊपर से भर के लाना है, और अपने पास भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। जो कि देख सकते हो भाई तीसरा राउंड भी अपने यहाँ पे कम्प्लीट होने वाला है, और जो कि हो चुका है। कम्प्लीट होने के बाद हल्का सा रिवर्स लेते अपन है ना। रिवर्स लेने के बाद भाई चौथे राउंड की तैयारी में लग जाते पूरा प्रॉपर, तो एक बार और रिवर्स तो लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से है ना। तो हल्का सा ले लेते, अब जाने देते ऊपर। ऊपर जाने के बाद भाई जल्दी से जल्दी लेके चलते, क्योंकि अपने को अभी ढेर सारी बोरियाँ वहाँ से भरनी, और भाई उतारना काफ़ी कठिन होने वाला है। बट मतलब ऐसा लोड नहीं रहेगा, बट क्या है कि भाई पूरा ब्रेक के ऊपर चलेगा, और डंपर पलटी भी खा सकता है, नीचे भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो पूरा प्रॉपर अपन इसको ऊपर चढ़ा के लेके चलते, जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। भाई लास्ट राउंड पर अपन आ चुके, अगर इस राउंड को अपन ने कम्प्लीटली पार कर दिया तो अपन प्रॉपर लास्ट राउंड में पहुँच जाएंगे, जो कि देख सकते हो भाई पूरा प्रॉपर अपन आ चुके हैं। तो भाई इस पर घुमा लेते, और अपने को लगाना है रिवर्स, और वो भी एंडिंग पॉइंट पर, जिससे क्या है कि अपना मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा, और अपनी बोरियाँ भी कम्प्लीटली वहाँ पर जाने के बाद आप लोग भर जाएगी है ना। तो पूरा प्रॉपर जाने देते इसको, देख सकते हो आप पीछे भी देखना है अपने को बैकग्राउंड में भाई कि जगह कितनी है कितनी नहीं है। तो कम्प्लीटली ऐसे काट लेते इसको, और जाने देते धीमी गति से, जाने देते धीरे धीरे करके जाने देते पूरा प्रॉपर। लास्ट में अपने को एंडिंग पॉइंट पे इसको कम्प्लीटली टिका देना है। टिकाने के बाद अपनी ट्रॉली क्या है कि भर जाएगी, तो भर लेते कम्प्लीटली भाई बोरियों से, और हमने फिर से बढ़ा दिया। बट भाई अब काफ़ी खतरनाक सीन होने वाला है, जो कि आप देख सकते हो है ना, क्योंकि इतने भरे हुए डंपर को भाई इतने ऊपर से उतारना तो आम बात नहीं है है ना। तो पूरा अपने को भाई इसको कंट्रोल में रखना है, जो कि देख सकते हो भाई पहला राउंड अपन इस तरह से उतारेंगे। ये जाने देते, ब्रेक भी लगा के रखना अपने को, बट काफ़ी लोडिंग है ना, इसके कारण देख सकते हो भाई आगे के साकप क्या पंपिंग कर रहे हैं ना। तो पूरा घुमा लेते स्टेयरिंग को भाई कम्प्लीटली, एक बार तो रिवर्स लेना पड़ेगा, वरना वाट लगने में 2 मिनट नहीं लगेगी यहाँ पे अपने को है ना। तो पूरा हल्का सा रिवर्स लेके इसको काट लेते, काटने के बाद भाई पूरा प्रॉपर इसको घुमा लेते। घुमाने के बाद देखते हैं ना, तो अब जाने देते स्मूथली धीमी गति से, जाने देते पूरा प्रॉपर इसको नीचे, और देखते क्या सीन होने वाला है भाई नीचे का। तो नीचे का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीन होने वाला है। ओ भाई
ब्रेक के ऊपर चलेगा, ओ तेरी टायर नीचे नहीं, ओ तेरी गए थे बाल बाल बचे भाई। तो ये अपने को क्या है कि आगे वाले टायर का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है, जिससे क्या है कि ट्रक अपना मेंटेनेंस बना रहे, है ना। तो अब काट लेते हैं फिर से अपन भाई। ये वाला कंटिनेटर सबसे छोटा है, तो इस पर क्या है कि अपने को 2 या 3 बार आगे पीछे करके घुमाना पड़ेगा पूरा प्रॉपर, है ना, क्योंकि देख सकते हो आप। तो हल्का सा रिवर्स लेके जाने देते इसको पूरा प्रॉपर, और उतार लेते हैं धीमी गति से। ओ तेरी भाई, काफ़ी ख़तरनाक सीन है ये, बट क्या कर सकते हैं, कोशिश तो करना पड़ेगा, है ना। पूरी कोशिश के साथ भाई जाने देते इसको, आराम आराम से जाने देते, आराम आराम से, क्योंकि देख सकते हो भाई लास्ट राउंड के समथिंग आ ही गए अपन। इसके बाद बस ओ तेरे अभी एक और राउंड है। तो हल्का सा रिवर्स ले लेते हैं, अगर ये टायर नीचे चला गया तो समझ लो अपनी वाट लगने में 2 मिनट नहीं लगेगा, है ना। तो पूरा इसको स्टेयरिंग को अपन भाई घुमाना है, पूरा पूरा घुमा लेते हैं, और अब यहाँ से स्मूथली उतार दें। एक बार नीचे उतर गए उसके बाद भाई कोई दिक्कत नहीं, बट क्या है कि उसके बाद भी अपने को भाई एक कच्ची रास्ते की घाटी काफ़ी ख़तरनाक चढ़नी है, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, बट फिर भी करते हैं कोशिश चलने की। तो भाई लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ से अपने को आराम से उतारना। ओ तेरी भाई, रिवर्स तो लेना पड़ेगा, वरना यहाँ अपनी वाट लग जाएगी लास्ट लास्ट में, है ना। तो पूरा प्रॉपर रिवर्स ले लेते, इसको काट देते उधर की साइड, जिससे क्या है कि पूरा प्रॉपर रास्ते पे आ गया, है ना। तो अब जाने देते इसको स्मूथली, आराम आराम से जाने देते, और उतार लेते इसको पूरा प्रॉपर नीचे, है ना। और भाई अब आ गए अपन मैदान में, देख सकते हो काफ़ी शानदार तरीके से उठा हुआ था अभी, बट अब लेके चलते भाई जो देख सकते हो ना आप। तो उस पहाड़ी के अपने को उस पार लेके चलना है, यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ख़तरनाक बीच में खाई है, तो अपने को खाई का ध्यान रखते हुए अपने को रोड से होते हुए चलना है, और उसके बाद भाई एक पहाड़ को चढ़ना है जो कि काफ़ी ख़तरनाक पहाड़ है ना। तो पूरा प्रॉपर स्पीडली यहाँ से भगा के लेके चलते हैं, जिसमें क्या है कि काफ़ी शानदार मज़ा आने वाला है आगे चल के अपने को, है ना। भाई स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी इसकी हल्की सी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा वैसे भी अपने को, है ना। भाई देख सकते हो अपना न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो कि अब जाने देते भाई, अपने पास टाइम बहुत कम है, यहाँ से घुमाते हुए दलदल में से निकालता हूँ। अब भरे डंपर को अपन सिंगल निकालेंगे, जो कि देखते हैं खुद के दम पे निकल सकता कि नहीं। ओ भाई काफ़ी ख़तरनाक सीन हो गया ये, तो मेरे हिसाब से फंस जाएगा, बट कोशिश करते हैं। वो भाई आगे से उठ रहा है, पूरा उठ रहा, पूरा उठ गया, बट क्या है कि कोशिश करने वाली कि हार नहीं होती। तो अपन पूरा प्रॉपर इसको लेके चलते, और भाई जल्दी जल्दी रोड पर चढ़ा लिया अपन ने, अब स्पीडली लेके चलते क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है अपने पास, है ना। तो स्पीडली भाई भगाते हुए अपने को उस पहाड़ी जो कि दिख आएगी अभी आपको राइट साइड में, है ना, काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी ऊंची, और उसके ऊपर है भाई एक लक्कड़ का ब्रिज। तो भाई ब्रिज पे से होते हुए अपने को पूरा प्रॉपर चलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक सीन बनेगा अभी आगे चल के। और वहाँ पे अपने को भाई इनको क्या है कि बोरियों को कम्प्लीटली डाल के आना है, जो कि उसके बाद अपने को काफ़ी ढेर सारा पेमेंट भी मिलेगा, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा रिक्स वाला काम किया है अपन ने, चढ़ाना उतारना जो कि कंटिनेटर वाले ब्रिज पर अपन ने चढ़ाया वो भी काफ़ी ख़तरनाक सीन था, और उतारना भी काफ़ी ख़तरनाक, जो कि देख सकते हो भाई यहाँ से कंटिनेटर से अपन जंप नहीं मार सकते, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रिज है ना, और खाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और खाई में एक बार गिर गए तो समझ लो वाट लग जाएगी। भाई यहाँ से चढ़ाने की पूरी कोशिश करते अपन, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, घाटी तो काफ़ी ज़्यादा लोडिंग डंपर है, बट क्या है कि भाई 55 लाख रुपये लगाए तो काफ़ी पावरफुल डंपर है अपना, तो अपन कैसे भी करके इसको चढ़ा सकते हैं, है ना। तो पूरा प्रॉपर चढ़ाने के बाद देख सकते हो अपन ब्रिज के पास भाई समथिंग समथिंग मतलब एकदम जस्ट सामने आ गए ब्रिज पे से। अपन निकालते हो, अपन निकल चलते हैं जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल की ओर, है ना। तो पूरा मंजिल की ओर भाई यहाँ से, बट ब्रिज पे अपने को ध्यान रखना लक्कड़ का ब्रिज है, तो पूरी सावधानी पूर्वक, जो कि देख सकते हो भाई काफ़ी शानदार सीन बन गए हैं। तो ये लक्कड़ के ब्रिज पे, ओ तेरी टकरा गया था अभी, बच गए। तो भाई अब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना उतारते टाइम, जो कि देख सकते हो रास्ता है, बट वो क्या है कि दिख नहीं पाता है पूरा क्लियर। तो यहाँ से पूरा घुमाना है, और अब लेना है अपने को राइट राइट, पूरा स्टेयरिंग घुमाने के बाद भाई फिर लेफ्ट है। ऐसे ही करते करते 2 या 3 राउंड है, और इसके बाद अपन पूरा प्रॉपर नीचे उतर जाएंगे। नीचे उतरने के बाद भाई फिर से अपने को एक सामने वाली पहाड़ी चढ़नी है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, इससे भी हाई लेवल की पहाड़ी है वो, बट क्या कर सकते अपने को भाई मिशन को कम्प्लीट करना है, क्योंकि अपने को मार्केट में अपने माल को सेल करके आना है। सेल करने के लिए भाई कुछ भी हो जाए चलना तो पड़ेगा, है ना। तो पूरा भाई सामने की अब पूरी स्पीडली भगा के लेके चलते हैं, और भाई चढ़ने की पूरी कोशिश करते जो कि दिख रहा है आपको रास्ता, तो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है ना। तो पूरे यहाँ से अपन इसको राइट घुमा लेते हैं, राइट के बाद हल्का हल्का सा दिख रहा है रास्ता, पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस रास्ते पे चढ़ाते टाइम, है ना। जो कि देख सकते हो यहाँ से हल्का सा राइट लेना है अपने को, और अब लेफ्ट लेना है पूरा पूरा प्रॉपर। हल्का सा दिख रहा है रास्ता भाई, पूरा तो दिख नहीं रहा है, मतलब जितने पास जाते फिर उसके बाद दिखना कम हो जाता है, मतलब दूर से हल्का हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिखता है, बट क्या है कि पास से नहीं दिखता है ना। तो यहाँ से अपने को भाई राइट लेना है। ओ तेरी भाई, काफ़ी ख़तरनाक लोड, काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है डंपर, मेरे को लगता है भाई चढ़ने के काफ़ी कम चांसेस है अपने ऊपर, बट अपन क्या है कि एक राउंड के बाद पूरा प्रॉपर ऊपर चढ़ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है अपने को, जो कि भाई ये ओ तेरी जात का भाई काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है, मेरे को लगता है रिवर्स अपने को न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को लाना पड़ेगा भाई इसको हिचकने के लिए। अगर ऊपर प्रॉब्लम आ गई तो भाई हिचकने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो लाना पड़ेगा। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को यहीं कम्प्लीटली एंडिंग करते हैं, और गाइस लाइक सब्सक्राइब।